नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर मसूरी से है, जहां पर टेरी झील में कोटी कॉलोनी से कंडीसौर तक बिना लाइफ जैकेट के 24 किलोमीटर तैरकर पार करने वाले त्रिलोक सिंह रावत और उनके पुत्र ऋषभ रावत और पारसवीर को प्रताप नगर जन कल्याण समिति ने सम्मानित किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की और साथ ही प्रयास ये भी किया जा रहा कि 9 नवम्बर को पिता पुत्रों को सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। बिना लाइफ जैकेट के तैरते हुए 24 किलोमीटर तैरे हैं। पूरा मामला गंडीसौर पहुंचे, जहां पर टीरी झील को पिता पुत्र ने पार किया है। इसके बाद एक समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर आपको बताते चले कि उन्हें सम्मान दिया गया है। आपको बताते चले कि टिहरी झील को पिता पुत्र ने पार किया है। इस दौरान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। तस्वीरें भी आपको वहीं की दिखा रहे हैं, जो कि देहरादून में बिना लाइफ जैकेट के तैरते हुए पार किया। इस दौरान सम्मान समारोह रखा गया। मसूरी प्रताप नगर की तरफ से यहां पर आयोजन किया गया और साथ ही बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे हैं। टिहरी प्रताप नगर के आदरणीय त्रिलोक सिंह रावत जी, दो उनके पुत्र भास्कर और नहीं पारस और ऋषभ, जिन्होंने 9 घंटे लगातार तैरकर 18 किलोमीटर लंबे टिहरी झील को पार किया बिना लाइफ जैकेट के, अपने आप में एक कीर्तिमान है। उन्होंने अनुरोध किया है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2021 में ये शास्त्रीय कार्य इनके द्वारा किया गया था। क्या कारण रहे कि इनको जो उचित सम्मान मिलना था नहीं मिला? तो वहीं हरिद्वार में जंगली हाथी किसानों की फसलों को रौंद कर चले जाते हैं। हालांकि इसके लिए मुआवजा के लिए किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन की ओर से किसानों को 27 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा खानपुर रेंज का 14 लाख रुपए और दूसरे नंबर पर हरिद्वार रेंज का 11 रुपए का मुआवजा किसानों को दिया गया। वन विभाग की ओर से मार्च महीने तक के सभी मुआवजों के दिए जाने का दावा किया गया। हालांकि किसान लगातार मुआवजे की धनराशि बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि जंगली हाथियों से कोई भी राहत नहीं मिल रही। लगातार जंगली हाथी उत्पात मचाते हुए नजर आते हैं और जिसको लेकर आपको बताते चलें कि लगातार मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। काफी ज्यादा नुकसान करते हैं, जिसके बाद इसका खामियाजा यहां के लोगों को भुगतना पड़ता है, जिसके बाद मुआवजा राशि की बढ़ाए जाने की मांग भी कर रहे हैं, ताकि जो भी फसल नष्ट हुई है उससे जो भी नुकसान हुआ है उसका कुछ जो हिस्सा है वो मिल सके। मुआवजा राशि बढ़ाने की लगातार मांग भी की जा रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार से हैं, जहां पर वन विभाग लगातार एक्टिव है, तो वहीं दूसरी तरफ जंगली हाथियों से कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मुआवजे का भी जो है डिवीजन स्तर से, जो हमारे यहाँ से प्रकरण गए थे पूरे डिवीजन स्तर के, अभी 27 लाख का पेमेंट
करा गया है किसानों का। अभी तक मार्च तक जितना भी नुकसान किसानों का हुआ है सारा पेमेंट कर दिया गया। सबसे ज़्यादा इसमें जो मुआवजा जारी हुआ है वो खानपुर रेंज का 14 लाख का हुआ है और हरिद्वार का उसके बाद है 11 लाख 70 हज़ार के लगभग, और बाकी जो है चिड़ियापुर, लक्सर और श्यामपुर रेंज का है। मानक इसका जो है शासन की तरफ से नियमावली है, मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण नियमावली, उसके तहत ये कंपनसेशन दिया जाता है। उसमें हर एक जो भी फसल होती है उसका पर एकड़ के हिसाब से रेट निर्धारित है, उसी के हिसाब से उसका नुकसान का जायजा हमारे सेक्शन द्वारा अधिकारी द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पावर ने बिजली की आपूर्ति को अधिक स्मार्ट और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। स्मार्ट मीटर की मदद से उपभोक्ताओं को यह जानने में भी सुविधा होगी कि उन्होंने कितनी बिजली का उपयोग किया है और उनके बिजली बिल की स्थिति क्या है। और वहीं प्रदेश में स्मार्ट लिमिटेड लगाए जाने को लेकर अब उत्तराखंड में सियासत का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में महंगाई चरम पर है और ऐसे में प्रदेश सरकार स्मार्ट मीटर लगाकर जनता और प्रदेश के किसानों को ठगने का काम कर रही है। वहीं मामले को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने बिजली चोरी और भ्रष्टाचार का ठेका लिया है और इसलिए कांग्रेस के लोगों को प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने से परेशानी हो रही है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का पलटवार भी किया है उन्होंने। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, जहां पर आपको यह भी बताते चलें कि लगातार स्मार्ट मीटर पर अब सियासत भी हो रही है। स्मार्ट मीटर लगाने पर कभी बिजली का बिल को लेकर अब सियासत जो है वो गरमाई हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी विधायक विनोद चमोली का पलटवार किया है। खबर देहरादून से है, जहां पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा में राज्य में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और कई खेल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के जरिए किया जाएगा और 26 अक्टूबर से पहला ट्रायल आयोजित होगा, जिसमें राज्य खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को दोगुना नगद इनाम राशि दी जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि इस संदर्भ में विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है। मंत्री रेखा आर्य ने बैठक ली है और इस बैठक में 26 अक्टूबर से ये जो पहला ट्रायल है वो किया जाएगा, जिस पर सहमति बनी है, जिसका 38वें राष्ट्रीय खेल को लेकर बैठक का आयोजन होना है। और जिसको लेकर आपको ये भी बताते चलें कि 38वें राष्ट्रीय खेल महोत्सव को लेकर आपको बताते चलें कि 26 अक्टूबर से पहला ट्रायल आयोजित होगा। देखिए, आज राष्ट्रीय खेलों के निमित्त खिलाड़ियों के चयन के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में उनके पदाधिकारियों के साथ में आज बैठक आहूत की गई है और उस बैठक में खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा इसको लेकर चर्चा हुई है, जिसमें प्रारंभिक चयन ट्रायल का आयोजन से लेकर फाइनली चयन करने तक किस समय से लेकर किस समय तक में ये प्रक्रिया की जाएगी अथवा उन बच्चों के कैंप कब से हम लोग लगाएंगे ये आज डिस्कस हुआ है और ये सहमति बनी है कि 26 अक्टूबर से बच्चों का पहला कैंप लगेगा और वो कैंप जो है उन बच्चों का रहेगा जिन्होंने स्टेट गेम्स में पार्टिसिपेट किया था।
बीजेपी की राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी लक्सर पहुंची। लक्सर के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष के कार्यालय पर उन्होंने विधानसभा क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बीजेपी सदस्यता अभियान पर समीक्षा की। इस दौरान राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि जिस प्रकार से हमारा देश लोकतांत्रिक पद्धति पर प्रगतिशील है, उसी तर्ज पर बीजेपी में भी लोकतंत्र जीवित है। उनके मुताबिक संगठन में 6 साल तक सदस्यता को लेकर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने समीक्षा बैठक की है, सदस्यता अभियान का अपडेट भी लिया है। लगातार बीजेपी से कार्यकर्ता जो है वो लगातार कार्य करते हुए नजर आए, जहां पर सदस्यता दिलाते हुए तमाम लोगों को सदस्यता दिलाई है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की गई है। सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने ये समीक्षा बैठक की और अपडेट लिया है। इस तरह से हमारा देश लोकतांत्रिक पद्धति से चलता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी चलती है। हमारे यहाँ 6 वर्ष की सदस्यता होती है, हमारा वो समय समाप्त हुआ है तो नए सिरे से सदस्यता शुरू हुई। 2 तारीख को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी सदस्यता दिलाई और उसी दिन से पूरे देश में सदस्यता अभियान प्रारंभ हो गया। 3 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी को हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई और अभी हमारी सदस्यता का समय बाकी है। रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने रिक्त पदों पर नियुक्ति और योजनाओं की गुणवत्ता और पूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। वीरचंद सिंह गढ़वाली सभागार सचिवालय में ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में अब तक परिषद की तरफ से किए गए कार्यों की समीक्षा की गई है, भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक में ग्राम विकास मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिला स्तर पर जल्द से जल्द जेई और रोजगार सेवकों के रिक्त पदों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए ताकि विकास कार्यों में गति लाई जाए। आपको बताते चलें कि लगातार योजनाओं को पूरा करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं, संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने ये निर्देश दिया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला देहरादून से है, जहां पर मंत्री गणेश जोशी ने निर्देश दिए हैं। योजनाओं देखिए, आज राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक यहाँ पर आहूत की गई थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारीगण और सभी माननीय सदस्यगण यहाँ पर मौजूद थे। और समीक्षा में ये पाया गया कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में केंद्र के औसत से हमारा प्रदेश आगे चल रहा है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। वहीं जो माननीय सदस्यों के सुझाव आए हमने उनको समाहित करते हुए निर्देशन जारी कर दिए। जैसे सुझाव आया कि हमारे जो रोजगार सेवक हैं उनके 671 पद रिक्त हैं, हमने सभी जिलों को निश्चित कर दिया है कि उनको जिले के स्तर से उनकी भर्ती की जाए। ग्रामीण निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर चयनित अभ्यर्थियों ने सोमवार को नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन किया है। वहीं तपोवन रोड स्थित ग्रामीण निर्माण विभाग कार्यालय पहुंचने के बाद चयनित अभ्यर्थियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 19 सितंबर को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है, जिसमें अधिकांश पहले से नौकरी
कर रहे थे और ग्रामीण निर्माण विभाग का नियुक्ति पत्र मिलने के बाद से पहले नौकरी छोड़ चुके हैं। और ऐसे में आपको ये भी बताते चलें, एक ही परीक्षा और एक प्रक्रिया के बावजूद उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और यहाँ पे हम सब लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारा जो चयन हुआ है वो लोक इसमें ग्रामीण निर्माण विभाग में हुआ है और 201 बच्चों का यहाँ पे चयन हुआ था, जिसमें से 138 बच्चों की लिस्ट इन्होंने पोस्टिंग तैनाती स्थल जारी कर दिए, बट हम 63 लोगों के अभी नहीं हुए हैं। 63 में से जिसमें से 47 मोस्टली लड़कियाँ हैं और जो कि अभी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि हमारी कब हमें हमारे तैनाती स्थल मिलेंगे। बस हमारी डिपार्टमेंट और सीएम साहब से एक ही अपील है कि प्लीज़ सर, अगर आप हमें कहीं भी सुन रहे हैं, कैसे भी सुन रहे हैं, प्लीज़ हमारे तैनाती स्थल जारी कर दीजिए। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। रुड़की में दूल्हे के साथ में बारात में जा रहे बारातियों ने टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया है। विरोध करने पर कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की गई। वहीं मारपीट का पूरा घटनाक्रम टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं इस मारपीट की घटना में दो कर्मचारी घायल हो गए। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले हमलावर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस अब हमलावरों की तलाश में जुटी है। वहीं हंगामे की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस को इस मामले की तहरीर मिली, की तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पूरा मामला रुड़की से बताया जा रहा, जहां पर बारातियों टोल प्लाजा कर्मियों में झड़प देखने को मिली है। आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और जिसके बाद आपको ये भी बताते चलें कि मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है, जहां पर आपको बताते चलें कि बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी उमड़ा बारातियों और टोल प्लाजा कर्मियों में। अचानक से किसी बात को लेकर झड़प हो गई है। देहरादून स्थित विधानसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में महिला एकल कल्याण मंत्रिमंडल की उपसमिति की बैठक आयोजित हुई, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके तहत मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई थी, जिसके तहत हम महिलाओं की आय बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पात्र महिलाओं को लाभ दिया जाएगा, जिनकी पात्रता को कई प्रकार दिए गए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। देखिए, जिस प्रकार से हमारी सरकार इस प्रदेश के विभिन्न लोगों के विकास के लिए और उनके आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार एक स्कीम लॉन्च हुई थी, जिसका नाम है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। उसके लिए हम लोग बैठे थे, कुछ उपसमिति बनी है, सिर्फ मैं भी उसमें एकमात्र उपसमिति का अध्यक्ष कहिए या जो भी, उस नाते 1 जुलाई को भी हम बैठे थे और आज दोबारा बैठना हुआ। सचिवालय देहरादून में ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित हुई है। इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मंत्री ने परिषद द्वारा अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की है।
भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा भी हुई। बैठक में मंत्री ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर जल्द से जल्द जेई और रोजगार सेवकों के रिक्त पदों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित हुई है। मंत्रिपरिषद ने तमाम तरह के कार्यों की समीक्षा की और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से यहां पर चर्चा भी हुई है। मंत्रिपरिषद ने कार्यों की समीक्षा बैठक की है। देखिए आज राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक यहाँ पर आहूत की गई थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारीगण और सभी माननीय सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। और समीक्षा में ये पाया गया कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में केंद्र के औसत से हमारा प्रदेश आगे चल रहा है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं जो माननीय सदस्यों के सुझाव आए हमने उनको समाहित करते हुए निर्देशन जारी कर दिए। खबर देहरादून से है, जहां पर खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में राज्य में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और कई खेल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक ली है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इसके तहत राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया और ट्रायल के जरिए इसका चयन किया हुआ है और 26 अक्टूबर से पहला ट्रायल आयोजित होगा, जिसमें राज्य खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को दोगुना नगद इनाम राशि दी जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस संदर्भ में विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया और अब तक अंतिम निर्णय वित्त विभाग की ओर से लिया गया है। खबर देहरादून से है, जहां पर युवा कल्याण मंत्री ने बैठक ली है और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि खेल एसोसिएशन की ये बैठक आयोजित हुई है, जहां पर तमाम तरह के फैसले जो हैं वो लिए गए इस बैठक में और तमाम तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। देखिए आज राष्ट्रीय खेलों के निमित्त खिलाड़ियों के चयन के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में उनके पदाधिकारियों के साथ में आज बैठक आहूत की गई है और उस बैठक में खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा इसको लेकर चर्चा हुई है, जिसमें प्रारंभिक चयन ट्रायल का आयोजन से लेकर फाइनली चयन करने तक किस समय से लेकर किस समय तक में ये प्रक्रिया की जाएगी अथवा उन बच्चों के कैंप कब से हम लोग लगाएंगे ये आज डिस्कस हुआ है। लास्ट वीडियो में इतना ही, नमस्कार।